हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सोनेट के एसटीएक्स मॉडल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, उनको यूज़ करना बताऊंगा। कैसे कैसे, कौन कौन से फंक्शंस आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए, एसटीएक्स मॉडल है आईएमटी में। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी गाड़ी क्योंकि ऑफ है, मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। ये आप देखिए, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया है। तो मैं इसके सारे फंक्शंस किस तरह से यूज़ होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये आप देखें, सबसे पहले जो आ रही है दैट इज़ ड्राइव इन्फॉर्मेशन, यानी कि अभी अगर मैं गाड़ी लेके चलता हूँ तो गाड़ी कितनी चली है, माइलेज उसने कितना दिया है और कितने टाइम के लिए चली है। ऊपर जो आ रहा है 90 किलोमीटर, ये इसकी रेंज आ रही है, यानी कि जो अभी पेट्रोल या डीजल गाड़ी में अवेलेबल है उसमें गाड़ी अभी कितना और चल जाएगी। राइट साइड में जो ये 21 आ रहा है, ये अभी तक इसका ओडोमीटर रीडिंग है, टोटल गाड़ी कितनी चली है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, न्यूट्रल है अभी गाड़ी। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। ये आप देखेंगे तो डिजिटल इसका स्पीडोमीटर दिया हुआ है, और ये आपका आरपीएम मीटर है। राइट साइड में ऊपर आपका फ्यूल मीटर है, और ये इंजन का इसका टेम्परेचर है। ठीक है, अब अगर मैं इसके फीचर्स या जो इसमें दिए हुए हैं फंक्शंस उनकी बात करूं, तो ये आपका स्टेयरिंग पे दिस इज़ दी बटन जिससे आप इसके फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको इसका ये जो अभी इस पे इंफॉर्मेशन आ रही है इसको चेंज करना है, तो ये वाला राइट साइड में जो लेफ्ट वाला एरो है या रोटेशनल बटन है, इसको आप करेंगे। ये देखिए, तो ये आपका एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई, टोटल गाड़ी कितनी चली है, क्या इसने माइलेज दिया है, टोटल कितना टाइम है। और आप इसको ओके जो नीचे दिया हुआ है इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन रीसेट हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका इसका फ्यूल इकोनॉमी आ जाती है, इसको भी आप ओके करेंगे तो होल्ड करके रखेंगे रीसेट हो जाएगी। देखिए, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये अगर मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ, ये आप देखिए सब कुछ रीसेट हो गया। अब अगर मुझे इसके और अंदर फंक्शंस में, इसकी इन्फॉर्मेशन में जाना है, तो आई नीड टू प्रेस दिस बटन। आप ही प्रेस करेंगे तो इसकी यूज़र सेटिंग्स आ गई हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइट, देन डोर, देन कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल एंड अदर फीचर्स एंड देन रीसेट। अगर मैं लाइट पे जाके ओके को प्रेस करता हूँ तो ये लाइट के फंक्शंस आ जाते हैं, सेटिंग्स आ जाती हैं। आप देखें, पहला है इल्यूमिनेशंस, यानी कि मुझे अगर क्लस्टर की ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो तो मैं इस पे जाके फिर से ओके प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसकी अगर ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो इसी से मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा, प्लस की तरफ करूँगा तो ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी, नीचे की तरफ करूँगा तो ब्राइटनेस कम होती चली जाएगी। जिस पे भी मुझे सेट करना है वहाँ उस सेटिंग पे जाके मुझे ओके कर देना है, देन इट वुड गो बैक। अब हम इसके डोर पे आ जाते हैं, ये आप डोर पे जाएंगे, ओके करेंगे, डोर सेटिंग्स आ जाती हैं। डोर सेटिंग्स में आते हैं ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक। ऑटो लॉक पे अगर मैं जाके ओके करता हूँ तो ये ऑटो लॉक के सेटिंग्स आती हैं। यूजुअली इसको हम एनेबल ऑन स्पीड रखते हैं, आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपको मैन्युअली ऑफ करने पड़ेंगे, लॉक करने पड़ेंगे गेट। एनेबल ऑन स्पीड रखेंगे तो जैसे ही आपकी गाड़ी 20 से अबाव की स्पीड पकड़ेगी या लेगी तो आपके चारों गेट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे। आप इसको ऑफ रखेंगे तो आपको ये मैनुअल करने पड़ेंगे। आपने बैक जाना है, ओके करना है, देन इट वुड कम बैक। ऐसे ही हम ऑटो अनलॉक पे भी जाके ओके करेंगे तो ऑटो अनलॉक का फंक्शन आ जाता है, सेटिंग आ जाती है। इसको आप व्हीकल ऑफ पे यूजुअली हम रखते हैं, यानी हम जैसे ही अपनी व्हीकल को ऑफ करेंगे गेट्स अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। आप इसको ऑफ करेंगे तो आपको गेट्स मैन्युअली अनलॉक करने पड़ेंगे। एंड अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, दैट इज कन्वीनियंस फीचर्स या सेटिंग्स। आप इसमें जाएंगे तो इसमें वेलकम मिरर का एक फंक्शन आता है। अब ये क्या आता है दोस्तों, आई एल एक्सप्लेन इट, और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बट उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी। आप मेरी पूरी वीडियो देखते रहें, एंड में मैं आपको ये फंक्शन कैसे यूज़ होता है,
क्या इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा और फंक्शन यूज़ भी करके दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ माय वीडियो। बट प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अब वेलकम मिरर फंक्शन क्या है दोस्तों? वेलकम मिरर फंक्शन है कि ये जो की है मेरे पास, ठीक है, ये की जो है ये अपने आप में बड़ी ही शानदार और बड़ी ही टेक्निकली डिज़ाइन की है दोस्तों। ये जो मेरे साइड मिरर्स हैं, ये ORVM जिनको हम बोल देते हैं, आउटसाइड रेयर व्यू मिरर, इनको ये वेलकम फंक्शन होता है कि मैं अगर चाबी मेरी जेब में है और मैं गाड़ी के पास आता हूँ तो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, वेलकम करते हैं गाड़ी की तरफ हमें। तो ये भी हम इसमें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, वेलकम मिरर में गया मैं, ये डोर अनलॉक पे है या ड्राइवर अप्रोच पे है। डोर अनलॉक पे अगर मैं इसको करता हूँ तो जैसे ही मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा विद दी हेल्प ऑफ माई की और दी रिक्वेस्ट बटन एट दी डोर हैंडल, तो मेरी गाड़ी के वेलकम मिरर्स ओपन हो जाते हैं। और अप्रोच में होता है जब मैं गाड़ी के पास आता हूँ तो ये ओपन हो जाते हैं। मैं ये आपको करके भी दिखाऊंगा। दूसरा आता है वाइपर एंड लाइट डिस्प्ले। ये सेटिंग है, कन्वीनियंट सेटिंग है, ये आप ऑन रखते हैं तो जब आप लाइट्स को आप ऑन करेंगे वाइल्ड ड्राइविंग तो पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में उसको बताता है। जैसे अगर मैं अभी करके दिखाता हूँ तो दिस इज दी, ये लाइट अभी ऑटो पे है, ये लाइट हो गई है, ये लो बीम हो गई है। तो ये सारे फीचर्स बेनिफिट्स सारे सेटिंग्स आप ऑन करेंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी आपकी, ठीक है। ऐसी आईसी रोड वार्निंग, यानी कि अगर मैं आईसी रोड पे हूँ, थोड़ा सा स्लिपरी रोड पे हूँ, तो उसकी भी वार्निंग ये दे देता है। ये फंक्शन इस सेगमेंट में जल्दी से किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। बैक आप जाएंगे, देन दिस इज सर्विस इंटरवल, यानी कि आपकी गाड़ी के सर्विस इंटरवल के रिमाइंडर भी आपकी गाड़ी आपको दे देती है। आप इसको सेट भी कर सकते हैं, एनेबल आप इसको करेंगे तो दैट वॉज गिव यू दी सर्विस इंटरवल रिमाइंडर, और आप इंटरवल अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। दिस इज द एडजस्ट इंटरवल, आप यहाँ जाएं, पहले इसको आप एनेबल करेंगे, ओके, देन इंटरवल पे आप जाएंगे तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आप 5000 किलोमीटर पे सर्विस कराना चाहते हैं या कितने पे आप किलोमीटर पे सर्विस कराना चाहते हैं। तो इंटरवल आप अपने अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सर्विस रिमाइंडर भी देता रहेगा। आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। बैक आप जाएंगे, देन अदर फीचर्स, अदर फीचर्स में आ जाते हैं दोस्तों। फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इकोनॉमी हमने मैन्युअली रीसेट करी थी, आप इसको ऑटो रीसेट पे भी लगा सकते हैं। आप इसमें जाएंगे तो ऑफ का ऑप्शन है, आफ्टर व्हीकल ऑन है, यानी कि जितनी भी बार आप व्हीकल सुबह आप अपने ऑफिस लेके आए, शाम को आप गाड़ी रीस्टार्ट करेंगे या और ऑन करेंगे तो दोबारा से वो रीसेट हो जाएगा उस ट्रिप के लिए, दोबारा से आपको बताएगा। एक्यूमुलेटेड जो है वो सेम रहेगा, उस ट्रिप के लिए चेंज हो जाएगा। या आप इसको आफ्टर रीफ्यूलिंग पे भी सेट कर सकते हैं, जब भी आप रीफ्यूल कराएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा और आपको उस ट्रिप का बताएगा, या फुल करने के बाद जो आपका गाड़ी ने इकोनॉमी दी है वो बताएगा। यूनिट भी आ जाती है, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, यानी कि आप इसको किलोमीटर पर लीटर में लेना चाहते हैं या लीटर पर 1000 किलोमीटर पे आप लेना चाहते हैं। अब क्योंकि इंडिया में किलोमीटर पर लीटर पे ही हम लोग मेजर करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो इसका ऑप्शन आता है वो यही आता है। एंड टेम्परेचर यूनिट भी आती है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। उसके अलावा रीसेट, यानी कि आप अपनी सारी सेटिंग्स को जो फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है उन पर भी आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों इसकी टोटल जो सेटिंग्स हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब मैं आपको जो इसका मैंने वेलकम मिरर वाला फंक्शन है वो मैंने आपको बताया था कि एट दी एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि वो की से कैसे वर्क करता है और वो अप्रोच ड्राइवर अप्रोच पे कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो वेलकम मिरर फंक्शन है ये दो तरह से यूज़ कर होता है, और एक तो आप ये की जो मेरे पास दी हुई है आप इससे गाड़ी को, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये वेलकम मिरर जो फंक्शन है आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो की दी हुई है इससे आप गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे। ये देखिए, अनलॉक में करता हूँ तो ये साइड मिरर्स वेलकम मिरर्स ओपन हो जाते हैं, और ये अनलॉक करता हूँ तो ये बंद हो जाते हैं।
उसके अलावा एक ड्राइवर अप्रोच फीचर भी था जो आपको मैंने दिखाया था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। ये की आपकी जेब में होनी चाहिए या हाथ में होनी चाहिए, जैसे ही आप गाड़ी के पास जाएंगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, अब अगर मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद बंद भी हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो ये वेलकम मिरर फंक्शन है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और पूरी वीडियोस देखते रहें ऐसी, जिससे कि मैं और इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।